हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे IRCTC पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। IRCTC पर अकाउंट बनाने के बाद आप कोई भी रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, तो इसका मतलब बहुत ही उपयोगी होगा कि आप खुद अपने मोबाइल से ही टिकट बना पाएंगे। और आज हम बता रहे हैं कि मोबाइल से ही ID कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा आपको एक ब्राउज़र की। वो ब्राउज़र या तो आप गूगल क्रोम से बना सकते हैं, या तो आप UC ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं, या और भी कोई ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरे मोबाइल में अभी एक गूगल क्रोम है, हम इस गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं, ओपन हो सके। जैसे ओपन किए तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम लिखना है जिस पर हमको ID बनाना है। तो मेरा वेबसाइट है www.irctc.co.in। जैसे www.irctc.co.in लिखे और इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो मेरा वेबसाइट क्या होगा, लॉगिन होगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि लॉगिन हो चुका। जैसे ये लॉगिन होगा तो फ्रेंड्स क्या है ना कि ये जो दिखाई दे रहा है बुक योर टिकट, यहाँ पर फ्रॉम टू डेट ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये इंक्वायरी को लेके कि कौन सा ट्रेन में सीट है या नहीं है, ये इंक्वायरी हम बिना ID बनाए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बुक करना होगा तो उसके लिए हमको ID का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे ऊपर में हम लोग जाएंगे, ये जो दिखाई दे रहा ना IRCTC, वो उसके लेफ्ट साइड में चार लाइन दिया हुआ है, उस लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किए देखिए कुछ खुला, तो जिसमें क्या करना है, जो लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा ना, उस लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग के पास यूज़र ID पासवर्ड है तो हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं है तो यहीं से हम लोग बना भी सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बता रहा है यूज़र नेम, उसके नीचे है पासवर्ड, और उसके नीचे है आपका जो है यहाँ से कैप्चा। तो ये तीन चीज़ डालना होता है लॉगिन करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है कि बनाना है। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेम इसी के नीचे आएंगे और यहाँ पर जो साइन इन के नीचे देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, रजिस्टर, हम लोग क्या करेंगे रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक किए तो अब आपके पास क्या आया, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। तो जिसमें क्या करना है कि हम लोग को फिल करना होगा। तो जिसमें फिल क्या करना होगा, तो सबसे पहले बता रहा है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम फ्रेंड्स कोई भी नेम नंबर आप रख सकते हैं विदाउट स्पेस, यानी स्पेस आपका यूज़ नहीं करना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पासवर्ड। पासवर्ड में हम कोई भी नाम नंबर ले सकते हैं, वो अपने सिक्योरिटी के अनुसार आप पासवर्ड रख लेंगे, और जो पासवर्ड आप वहाँ पर देंगे सेम वही पासवर्ड आप कन्फर्म पासवर्ड में भी देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आता है कि आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको चूज करना हो चूज कीजिए, और चूज करने के बाद उस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पर लिख देंगे, सिक्योरिटी आंसर में उसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद आता है प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपको हिंदी लैंग्वेज यूज़ करना है या इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है, वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब आपका मांगेगा पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आप नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों फिल कर सकते हैं, जिसमें दो ऑप्शनल है मिडिल नेम और लास्ट नेम, यानी आप चाहे तो दे भी सकते हैं नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि श्याम कुमार मंडल नाम है, तो श्याम कुमार यानी फर्स्ट नेम में श्याम लिखेंगे, मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे, और मंडल जो लिखेंगे वो लास्ट नेम में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जिसमें जेंडर, जेंडर में आपका आता है मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन मतलब पेशा क्या करते हैं, तो यहाँ से आप गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, स्टूडेंट कुछ भी डाल सकते हैं। तो मान के चले अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में मैरिड और अनमैरिड, तो मैरिड है तो मैरिड ऑप्शन को चूज करेंगे, और अनमैरिड है तो अनमैरिड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद आपका जो कंट्री में इंडिया होगा, और ईमेल और मोबाइल नंबर ये दोनों इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
अगर आपके पास ईमेल नहीं हो तो पहले आप ईमेल बनाने सीखें, इसके बाद ईमेल जब बन जाएगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिखना है, ताकि जब वेरिफिकेशन हो तो उस पर क्या हो, एक लिंक जाए और उस लिंक के जरिए हम लोग यहाँ पर फिर कोड डालेंगे। और इसके बाद मोबाइल नंबर भी वैसा ही देना है कि जो आपके पास हो, जो अवेलेबल हो, जो नंबर वो नंबर डालना है, क्योंकि मोबाइल पर भी क्या होगा कि एक मैसेज आएगा, एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को हमको इसमें डालना होगा। यानी मोबाइल वेरिफिकेशन भी होगा और ईमेल वेरिफिकेशन भी होगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन जो है आप एक्टिव वाला ईमेल और एक्टिव वाला नंबर देंगे। इसके बाद आपका नेशनलिटी मतलब इंडियन वो चूज करना है। और इसके बाद आता है रेसिडेंशियल एड्रेस। रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब जो है आपका फ्लैट, डोर या ब्लॉक नंबर, जो घर का नंबर होगा वो डाल देंगे। इसके बाद स्ट्रीट या लेन ऑप्शनल है वो दे देंगे। एरिया वो भी डाल देंगे, ऑप्शनल है, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते। और इसके बाद पिन कोड, पिन कोड का मतलब आपका जो एरिया का जो पिन कोड होगा ना वो डालना है। इसके बाद स्टेट, सिटी, ये सब तो जान ही रहे होंगे, पोस्ट ऑफिस वो भी जान रहे हैं, फ़ोन ये भी नंबर दे देना है। और इसके बाद आता है कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, यानी जो रेसिडेंस का जो एड्रेस डालें क्या वो ऑफिस का एड्रेस कॉपी करना है, अगर करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। तो अगर कॉपी के यस कर देंगे तो जो घर का एड्रेस होगा वही आपका ऑफिस का एड्रेस होगा, और अगर नो करेंगे तो फिर आपसे एक ऑफिस का एड्रेस मांगा जाएगा जिसमें आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो ये तो आपको टिक लगा हुआ है कि IRCTC SBI कार्ड थ्रू फ़ोन, ईमेल, SMS, यानी SMS के जरिए आपको इन्फॉर्म करेगा IRCTC, तो इसमें ठीक है, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कैप्चा, जो कि लिखा हुआ है 9YJ7E, ये वाला इस बॉक्स में आपको लिखना है। और इसके बाद आई हैव रीड द एग्री, ये वाला आपको टिक लगाना है। और इसके बाद रजिस्टर, जैसे आप रजिस्टर करेंगे इसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा आई एग्री का, एग्री करने के बाद आपका जो है ईमेल आईडी बन जाएगा। जैसे बनेगा तो अब उस आईडी को क्या करना है दोस्तों, फिर से दोबारा ओपन करना है। जब दोबारा ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके दो ऑप्शन पूछा जाएगा, एक ईमेल वेरिफिकेशन का और एक मोबाइल वेरिफिकेशन का। ईमेल वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जो आपका ईमेल दिए हुए हैं उस ईमेल पर एक कोड जाएगा, यानी एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को उस बॉक्स में लिखना है और सबमिट कर लेना है। और इसी तरह मोबाइल जो आप नंबर दिए हैं उस नंबर में भी आपका एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको जो इस बॉक्स में लिखना है और सबमिट करना है। और जैसे ईमेल वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, तो आपका जो है यूज़र आईडी कंप्लीट हो गया, यानी अब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया। इससे क्या होगा कि आप जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए क्या होगा कि आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज तक का वीडियो था दोस्तों, ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।